गृह विभाग के मंत्री बाला बच्चन आज गांधी भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम के आने के पूर्व कांग्रेस कार्यालय यानी कि गांधी भवन का जायजा लिया और शहर कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकरीवाल की तारीफ भी की। बाला बच्चन ने बताया कि सीएम करीब 20 से 25 मिनट गांधी भवन में रुकेंगे और लोक सेवा गारंटी योजना के कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी लेंगे। वहीं गृह मंत्री ने इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मंत्री बच्चन ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी, दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, जो भू माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, खनन माफिया आदि तमाम माफियाओं व गुंडों पर कार्यवाही रोकने के लिए प्रदर्शन कर रही है। वहीं बाला बच्चन ने कहा कि सीएम कमलनाथ के निर्देश में माफियाओं पर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। आपको बताना चाहेंगे कि 20 साल बाद कोई कांग्रेसी सीएम इंदौर के कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा वंदन करने गणतंत्र दिवस पर पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। तैयारियां अभी देखी हैं आपने, कल सीएम साहब आने वाले हैं? ये देखिए, तैयारी पूरी हो जा चुकी है। जो आदरणीय हमारे कार्यवाहक शहर अध्यक्ष विनय बाकरीवाल जी ने पूरा मुझे जो ब्रीफ किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कल आकर जो कार्यक्रम करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम है करीब 20 से 25 मिनट का, उसकी पूरी तैयारी हो जा चुकी है। पूरा मुझे अभी जो ब्रीफ किया है और हम सब के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि फर्स्ट टाइम कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो इंदौर में झंडा वंदन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो इंदौर में जो आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, आज की भी जानकारी सब आप लोगों की इसमें है। लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम भी है, दूसरी एक मीटिंग भी है और उसके बाद फिर अन्य कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्त रहेंगे और 26 जनवरी के भी सभी कार्यक्रमों की जानकारी मैंने अभी जो ली है जिला प्रशासन से भी लिए, हमारे संगठन के जो कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकरीवाल जी से भी ली है। तो 25 और 26 तारीख का जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो पूरी तैयारी हो जा चुकी है। कांग्रेस के नेता एक अशोक जायसवाल, उन्होंने कहा कि जब सीएम आएंगे उनके सामने वो आत्मदाह करने की, उन्होंने चल रहा है वायरल मैसेज। नहीं, मेरी उनसे बात हो जा चुकी, मैंने उनका आवेदन देख लिया है और बहुत जल्द हम उनकी समस्या का निदान कर रहे हैं। अभी भी मुझे उनने जो दिया है, दो दिन पहले आवेदन दिया था, मैंने उसको देख लिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश और देश की जनता भी इससे आश्चर्यचकित हो गई है कि कोई राजनीतिक दल जो माफियों के लिए आंदोलन कर रहा है, गुंडों के लिए आंदोलन कर रहा है, और हम तो भाजपा के लोगों से और भाजपा से हम पूछना चाह रहे हैं कि 15 साल में आपने माफिया राज को इतना क्यों पनपने दिया? आप चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया हो, उसके बाद जो परिवहन माफिया हो, वसूली माफिया हो, मिलावटखोर माफिया हो, माफियाओं की कोई खैर नहीं, ड्रग माफिया हो, इस सरकार में भाजपा कुछ भी कर ले, हमारी कार्रवाई निरंतर आगे जारी रहेगी और जनता जनार्दन को जो हमने जो बोला है वो न्याय और हक और अधिकार उनका जो हम दिलाएंगे। लेकिन इससे हमको भी ये समझ में आता है कि भाजपा इतने नीचे स्तर तक जा सकती है, जो अपराधियों के लिए, गुंडों के लिए आंदोलन करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है, तो इससे उनके डबल चेहरे का और चरित्र का पता चलता है।